एक डेटा बना लेता हूँ फॉल्स में। एक्चुअली जनरली हमारी पहली क्लास में सेटिंग्स होती थी, पर क्या होता था कई बार नए बंदे सेटिंग का नाम सुन के या क्लास देखकर तो वो गोली हो जाते थे, क्योंकि उनको वैसा कुछ लगता नहीं था, वो थोड़ी बोरिंग होती है। तो वो मैं आपको बाद में थोड़ी 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 करके बताता रहूंगा। आज की चीज मैं थोड़ी ठीक सी मजेदार दिखाऊंगा ताकि आपको लगे कि हमारे कोर्स में वाकई जान है। ओके okay. अब देखिए मैं यहाँ पे ना ड्रैग कर रहा हूँ इस चीज को, पर मेरे नाम अपने आप आ रहे हैं। इस ऑप्शन के बारे में पता है आपको? नहीं नेम मैनेजर नहीं सर, ये एक्चुअली नेम मैनेजर नहीं, नेम मैनेजर हमारे सेल्स और रेंज के लिए यूज होता है। मैं उसको आप जब वो टॉपिक आएगा मैं उसको डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ कि नेम मैनेजर क्या होता है। सपोज हम एक रेंज लेते हैं, इस रेंज के अंदर हमारा कुछ डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब ये H2K16 याद करना या H2K16 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये चीज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नेम मैनेजर के जरिए हम इस रेंज को एक नाम दे देते हैं, जैसे मैं कह देता हूं फाइनेंशियल डेटा, इस तरह का नाम दे दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको मैं फाइनेंशियल डेटा लिखूंगा तो मेरी ये रेंज सिलेक्ट हो जाएगी, इसलिए हमारा नेम मैनेजर वगैरह यूज होता है। इसका मैं बताता हूं, जैसे हमारे पास ना कस्टम लिस्ट होती है, ये ऑप्शन जैसे हमारे पास डेली यूज करने वाली या जनरली जरूरत पड़ने वाली चीजें हो जाती हैं, जैसे हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उस तरह की प्रोडक्ट लिस्ट हो गई, या जो बार बार टाइप ना करना पड़े इससे बचना चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट का नाम लिखें फिर ड्रैग कर दें बाकी अपने आप उठा लें, तो इसको कस्टम लिस्ट के अंदर किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑफिस बटन होता है जिसमें एक्सेल ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे पॉपुलर टाइप के अंदर एडिट कस्टम लिस्ट के नाम से बटन है। यहाँ पे हमारे पास कुछ अवेलेबल लिस्ट्स हैं, संडे मंडे जनवरी फरवरी, और यहाँ पे देखिए संदीप प्रदीप नाम की लिस्ट मैंने इंपोर्ट कर रखी है इसके अंदर। बस इसको करना क्या है, आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, फिर ये इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है जी। इसको भी और डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि हमारे जो हम कर रहे हैं उसको। यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज कर रहा हूं रैंड बिटवीन का, इसका मतलब है 10 से लेकर 90 के बीच की जो वैल्यूज होंगी वो रैंडमली अपने आप आ जाएंगे। ये एक फॉर्मूला है, मैं इसमें जनरली डेटा बनाने के लिए यूज करता हूँ। मैंने सब में फॉर्मूला कॉपी कर दिया एक रैंडम वैल्यूज के लिए, अमाउंट निकालने के लिए मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा। मैं डेटा की वेरिएशन इसलिए दे रहा हूं ताकि फॉर्मेट्स के बारे में भी हमें थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, क्योंकि एक जगह डेट का, एक जगह नंबर का, एक जगह टेक्स्ट का, इस तरह से मैंने कुछ डेटा डाला है। कहां कहां से क्या चीजें डिस्टर्ब होती हैं वो दिखाने के लिए। थोड़ा सा कलर वलर सुंदर बना देता हूं अपने डेटा को। जस्ट मिनट सर, एक कॉल आ रही।
हेलो हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ संदीप जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है सर, मैंने कुछ डेटा बनाया है। ठीक है जी, अब जरा पेस्ट स्पेशल की तरफ चलते हैं। हमने पेस्ट स्पेशल का हम सारे यूज करते हैं, नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे पेस्ट स्पेशल पे, ऑल के जरिए जो होता है हमारा नॉर्मल पेस्ट हो जाता है, नॉर्मल कॉपी पेस्ट वाला। पेस्ट स्पेशल में फिल जाते हैं, फॉर्मूला में हमारा फॉर्मूला होता है। डिफरेंस क्या है सर, मैं अभी आपको दिखाता हूं। और वैल्यूज में वैल्यूज, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि यहां जहां मैंने फॉर्मूला पेस्ट किया था, यहां जितने फॉर्मूले डाले हैं आप यहां देखिए ऊपर फॉर्मूला बार में, यहाँ पे आपके फॉर्मूले आ रहे हैं। ठीक है जी, कभी आपको फॉर्मूला पेस्ट करना हो यहाँ पे भी फॉर्मूले आ रहे हैं ऊपर, और जहां वैल्यूज की थी वहां डायरेक्ट वैल्यूज आपको दिखाएगा। ठीक है जी, तो पेस्ट एज वैल्यूज का आप लोग यूज करते हैं। संदीप जी, स्क्रीन स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम सर? हेलो संदीप जी, योगेश बोल रहा हूँ। मुझे जो आप स्क्रीन पे बोल रहे हैं वो, हाँ जी, हेलो योगेश जी, हाँ जी, योगेश जी आपका नेट कनेक्शन में आई थिंक थोड़ा सा स्लो है, और थोड़ा पहली बार में ये सब आप क्या बता रहे हैं कि फॉर्मूलास दिख रहे हैं वो मुझे तो कुछ स्क्रीन पर आने ले, मुझे लग रहा है कुछ डिले है आने में अभी। अब वो सर आपका या तो अभी कुछ डिले आ रहे थे ना फॉर्म। हाँ जी, हाँ संदीप जी, हाँ जी, हेलो, लग रहा है इनका नेट थोड़ा स्लो है। आई थिंक सो सर। योगेश जी आपका नेट थोड़ा सा स्लो है, और वैसे कोई बात नहीं, ये बाद में थोड़ा सा पहली टाइम इंस्टॉलेशन है तो बैकग्राउंड में इसके कुछ सॉफ्टवेयर अपने आप इंस्टॉल करता है, कोडेक वगैरह, तो जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है पहली एक आध क्लास में, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। बेशक थोड़ा स्लो करेक्शन भी हो तो भी चलता है। आई थिंक योगेश जी का बिल्कुल ही स्लो चल रहा है। अच्छा, तो मैं सर जो डिफरेंस दिखा रहा था आपको कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले, हाँ यहाँ पे हमारे पास जो है फॉर्मूलेस कॉपी हुए, और यहाँ पे हमारे पास जो हुए हैं वैल्यूज कॉपी हुए। ठीक है जी, बट इसमें संदीप जी फॉर्मूला आपने बनाए कैसे, मतलब जैसे अमाउंट में, जैसे आप क्लिक कर रहे हैं तो फॉर्मूला टास्क बार में दिखा रहा है। हाँ जी, तो ये आपने करा कैसे, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाया इसमें? सर ये जनरल फॉर्मूला है जो मैंने
C2 ये हमारी जो होती है कॉलम होता है, C जैसे यहाँ पे C लिखा हुआ है ना, हाँ और हाँ जी ए हाँ बी सी जी करके ये कॉलम्स है हमारे, और 1 2 3 करके रोज है। तो हाँ C2 का रेफरेंस जो हुआ, C2 मतलब कॉलम में C और रो में 2, दैट इज रेट का ये दिखा रहा है। ठीक है जी। स्टार जो ठीक होता है है हमारे मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, हाँ और D2 D कॉलम में हाँ सेकेंड रो अच्छा में। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया है, ठीक रेट को है क्वांटिटी में मल्टीप्लाई किया है अमाउंट निकालने के लिए। हाँ ठीक है ठीक है सर। बाकी जो है फॉर्मूलाइज की जितनी भी कंफ्यूजन होगी आपकी, जब फॉर्मूला स्टार्ट होंगे तो आपकी ये भी दूर हो जाएगी, क्योंकि वो भी बेसिक से ही चलेगा हमारा, बेसिक से अच्छा ठीक सुपर है एडवांस। ठीक है जी। तो ओके ठीक है जी हाँ, तो सर मैं डिफरेंस दिखा रहा था आपको वैल्यूज के बीच का और फॉर्मूला के बीच का। जब हम पेस्ट स्पेशल में पेस्ट करते हैं तो वैल्यूज और फॉर्मूला दो चीज यूज करते हैं, जो जनरल यूजर होते हैं हमारे थोड़े से ठीक ठाक। बट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी डेट थोड़ी डिस्टर्ब हो रखी है यहाँ फॉर्मेटिंग वो ठीक करनी पड़ेगी पे, यहाँ पे जी। तो अब इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है सर, अब मैं आपको दिखाता कंट्रोल हूं। शिफ्ट कर कॉपी कीजिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए। अब वो ऑप्शन मैं दिखाऊंगा जो आपको मतलब आपने देखे तो होंगे पर आपका ध्यान नहीं गया होगा उस तरफ थोड़ा सा। यहाँ फॉर्मूला वैल्यूज वगैरह है, यहाँ पे हमारे पास है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट सर वो फॉर्मेटिंग होती है जो हम डेट के ऊपर अप्लाई करते हैं या नंबर के ऊपर अप्लाई करते हैं। नंबर पे जैसे डबल डेसिमल वैल्यूज वगैरह होती हैं या करेंसीज की वैल्यू होती हैं, तो इस तरह से जो फॉर्मेटिंग होती है उसको हम नंबर फॉर्मेटिंग करते हैं कहते हैं। तो नंबर फॉर्मेटिंग के साथ हम इसको कॉपी करेंगे, जैसे फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया, ओके किया। अब देखिए इफेक्ट वही है, फॉर्मूला मेरा कॉपी हुआ है पर इसकी नंबर फॉर्मेट भी साथ में कॉपी हुई ओके है। ठीक है जी। अब मैं आता हाँ हूं कि जी मुझे हाँ जी वैल्यूज करनी है, तो हम वापस इस पे जाएंगे पेस्ट स्पेशल पे, सेम वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। ओके सर। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज है, ठीक ओके है, और हमारा नंबर फॉर्मेटिंग जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। ठीक है सर। अब एक बहुत ही छोटी सी हाँ जी चीज, बहुत ही छोटी सी चीज जो हम लोग बहुत परेशान होते हैं जिस चीज में जनरल में, हमने यहाँ पे तो कुछ सेटिंग कर दी अपने डेटा की कॉलम की, यहाँ पे मैंने जितना छोटा बड़ा करना था कर दिया, पर जब इस वैल्यू को दूसरी जगह ले जाते हैं हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं, यहां मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया तो इसके कॉलम में बार बार फिर से सेट करूंगा। जी ठीक है सर। राइट इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है सर, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ जाना है। आप कॉपी कीजिए, यहाँ कर्सर रखिए, पेस्ट स्पेशल में डालिए, और यहाँ पे आपका ये कॉलम विड्थ के नाम से एक ऑप्शन है, इसको ओके कीजिए। राइट आपकी जो कॉलम की विड्थ है वो आपके फॉर्मेट पे कॉपी हो जाएगी। ओके और संदीप जी और एक हमारे पास एक फॉर्मेट होता है ना जिसे पेस्ट स्पेशल में सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी करने से वो बिल्कुल सर, बिल्कुल। एग्जैक्टली इस पे काम नहीं करेगा फॉर्मेट्स को हम करके देख लेते हैं सर, यहाँ पे हम यहाँ पे फॉर्मेट्स कॉपी कर लेते हैं। फॉर्मेट्स में सर क्या होता है कि आपके सिर्फ फॉर्मेट्स कॉपी होते हैं, कॉलम विड विड सेल्स के हाइट, फॉर्मेट हाँ कॉपी जी हाँ, विड और हाइट वो डिफरेंट थिंग होती है, तो हाइट कॉपी नहीं होती है बट विड होती है। ठीक है सर। सिंपल फॉर्मेट से आप फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं। ठीक है जी। कमेंट से आप कमेंट कर सकते हैं, वैलिडेशन में आपको जब बताऊंगा, जब मैं वैलिडेशन कराऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा हाँ फिर आप जी उस टाइम भूले होंगे। हाँ और इसके फंक्शंस की बात करते हैं, इसमें है संदीप ऑल जी अभी आपने हेलो हाँ जी सर
संदीप जी अभी आपने कॉलम विड्थ के बारे में बताया कि इसको कैसे ठीक करना है, यही सेम प्रॉब्लम रो हाइट में भी आती है कभी कभी, उसको कैसे करते हैं? सर रो हाइट में क्या होता है कि जनरली इसमें ये विड्थ का ही ऑप्शन है, जो ऑप्शन है मैं वही बता रहा हूँ, बट कई बार क्या होता है हमें, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी है, मैं फॉल्स डेटा अपना यूज करता हूँ, नॉर्मल ऑप्शन सर क्या होते हैं इसके रो हाइट वगैरह सेट करने के, ये हमारा हम ये तो कॉलम से ऐसे सिलेक्ट करके डबल क्लिक करते हैं, दैट इज फॉर ऑटो फिट, ऑटो फिट होता है, अपने आप जितनी जगह लेनी होगी वो ले लेगा। इसी तरह हमारी जब हम रो सिलेक्ट करते हैं सर, तो हम जितना एक को दूंगा मैं वो सबको ले लेगा, सिलेक्ट करने से आप एक ही उस पर कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे ऑटो फिट, ठीक है जी। इसी तरह से आप इसको जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं, एक साथ बढ़ेगा या डबल क्लिक करने से ऑटो फिट, ठीक है सर। नॉर्मली यही ऑप्शन यूज होते हैं, बाकी कॉलम विड्थ के लिए था मेरे पास तो मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है जी। एक्सेल पे भी इतना ही है, ठीक है सर। अब थोड़ा सा पेस्ट स्पेशल में आगे बढ़ते हैं, अभी तो हमने जाना कि चलो नंबर फॉर्मेट बचा लिया हमने, कॉलम विड्थ बचा ली, काफी टाइम बचाया है इसमें, और एडिशनल क्या हो सकता है? एक होता है जनरल सा, हालांकि इसका ज्यादा यूज नहीं होता तो मैं आपको दिखा देता हूं, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, बॉर्डर की फॉर्मेटिंग आप छोड़ के बाकी सब डालना चाह रहे हैं तो ये आपका बॉर्डर छोड़ के सब कुछ डाल देंगे, ठीक है जी। और क्या हो सकता है, एक इसमें आपके पास ऑप्शन होता है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। अब एक्चुअली हम सोर्स थीम कभी यूज ही नहीं करते, कभी एक्सेल में भूले बिसरे तो सोर्स थीम को छोड़ के बाकी सब कॉपी करता है। सोर्स थीम में एक बार आपको दिखा देता हूं, जैसे हमारे पास पावर पॉइंट में टेम्पलेट चूज करते हैं ना सर, तो उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे सोर्स थीम होती है इस तरह की, ओके कुछ फॉर्मेटिंग का प्री फॉर्मेटेड मतलब एक वो होती है, तो उसके लिए यूज होता है, इसको छोड़ के आपका मेन डेटा कॉपी कर देगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। अब डेटा के दूसरे तरफ चलते हैं, एक पेस्ट स्पेशल के मैंने अलग अलग फंक्शन बता दिया आपको, अब थोड़ा सा अलग डेटा की तरफ चलते हैं, मेन डेटा की तरफ। सपोज सर हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं, हम लोग जनरली कोई लिस्ट बनाते हैं, प्राइस लिस्ट बनाते हैं, उसको बार बार करेक्ट करना पड़ता है, तो अब मुझे यहाँ पे ये जोड़ना है, बॉस को दिखाया मैंने, बॉस ने कहा नहीं इसमें ये प्लस करो, यहाँ पे आपका रॉन्ग है, तो उन्होंने कहा ये प्लस करना है, ठीक है। जनरली हम सर क्या करते हैं आप बताइए, इसके लिए जनरली क्या करते हैं, ऐसा कुछ हमारे पास डेटा इस तरह से आ जाए सबको एक एक करके ऐड करते हैं, मैनुअल ऐड करते हैं, और कोई सजेशन सर? साहिल जी मैं सुन रहा हूँ जी, ए प्लस बी का फॉर्मूला, हाँ जी, क्या करते हैं हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं या इफ कंडीशन लगाते हैं ऐसे करके प्लस करके यहाँ करके फिर इसको हम ऐसा ड्रैग करते कॉपी करेंगे फिर यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यूज करेंगे, तो हमें इतना लंबा सर जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपल कॉपी कीजिए, वापस आइए इसके ऊपर, अपना पेस्ट स्पेशल यहाँ पे बहुत काम की चीज है, ऑपरेशन नाम की कोई चीज होती है इसमें, एक टैग है, तो ये भी हमारा काफी काम कर देता है। ऐड जब हम करेंगे तो जो हमारी कॉपीड वैल्यू होगी ब्लैंक्स एज अ जीरो लेगा, वो जिसके ऊपर पेस्ट करेंगे उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है सर? हाँ जी सर। अब सर ऐड का तो आपको जवाब मिल गया, बट अब प्रॉब्लम आ गई कि मुझे रिप्लेस करना है,
बॉस ने कहा जोड़ने घटाने का काम तुम करो, क्या करो, मैं वैल्यू लिख रहा हूँ सीधा, मुझे तो रिप्लेसमेंट चाहिए। ठीक है जी, तो अब रिप्लेसमेंट में क्या करना होता है हमारे पास, ऐसे में ज्यादातर कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, इफ कंडीशन यूज करेंगे या मैनुअल करना चालू करेंगे हम, क्योंकि अगर हम इसमें कॉपी पेस्ट करते हैं तो सर रिप्लेस सर एक वैल्यू के लिए रिप्लेस करने के लिए होता है। आप मतलब जैसे पहले 84 को करेंगे 90 से, फिर 52 को करेंगे 30 से, फिर 157 को 90 से, ठीक है, तो प्रॉब्लम बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। यहाँ कम डेटा है तो हो जाएगा, ज्यादा हो तो प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम कॉपी पेस्ट करना चाहें तो इसमें तो ब्लैंक आ गए, है जी। यहाँ पे क्या करना है हमें, अब यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे पेस्ट स्पेशल अपना, और यहाँ पे एक इसकी ब्लैंक्स का टैग है, क्लिक कर दीजिए बस, और बाकी काम इस पे छोड़ दीजिए। रिप्लेस हो गई सर वैल्यू। तो पहले आपने बीट कॉलम को सिलेक्ट करा, फिर पेस्ट स्पेशल में गए, हाँ फिर ए कॉलम को सिलेक्ट करा। मैंने पहले सर ये कॉपी पेस्ट के बीच का डिफरेंस है बस, जो कॉपी प्रोसीजर में मैं उतनी ही रेंज सिलेक्ट करूंगा जितना मेरे पास डाटा है, ठीक है जी, भले ही बेशक इसमें बीच में कुछ ना हो पर रेंज उतनी सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे करके, ठीक है। अब मैं ए पे कहीं भी डाल दूंगा, जब मेरी रेंज कॉपी की इतनी है तो पेस्ट की भी उतनी ही हो जाती है ऑटोमेटिकली। ओके हाँ जी, तो पेस्ट स्पेशल में हम जाएंगे और इसके ब्लैंक्स करेंगे। इसके ब्लैंक्स क्या करेगा, जितनी भी ब्लैंक वैल्यूज हैं उनको नल कर देगा, उनको लेगा ही नहीं, तो जो पेस्ट करेगा वो जिसमें वैल्यू होगी, बाकी आपकी सेफ बच जाएंगे। ठीक ठीक है सर, अब तो ये रही बात सर इसके ब्लैंक्स वगैरह मैंने बताया। अब यहाँ पे बात करते हैं और सेल्स और हमारे टारगेट, सेल्स टारगेट टाइप की बहुत टर्म चलती हैं। मैं अलग अलग वेरिएशन दिखाऊंगा इसमें डेटा में, कोई किसी भी बैकग्राउंड से हो नो मैटर, पर जो ऑप्शन कवर होते हैं वो आपके कहीं भी यूज आ सकते हैं। अब जैसे इनका सेल्स ये रही है मेरे कुछ कैंडिडेट्स की, और उनका टारगेट था इतना 100। अब मैं जानना चाहता हूं कि इनका परफॉर्मेंस परसेंटेज कितना रहा, अचीवमेंट परसेंटेज कितना रहा। तो इसके लिए जनरली हम फॉर्मूला लगाते हैं कि ये डिवाइडेड बाय इतना, फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 करके, या परसेंटेज सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे करके करते हैं। बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता है ये भी, इसमें भी आपका पेस्ट स्पेशल काम करेगा। आप बस उस वैल्यू को कॉपी कीजिए, सिलेक्ट कीजिए कहां तक पेस्ट करना है आपको, पेस्ट स्पेशल पे चले जाइए और सिंपल डिवाइड देन परसेंटेज, आपके नंबर फॉर्मेटिंग में ऊपर परसेंटेज है, तो दैट इज द अचीवमेंट। ओके क्लियर है सर, डिवाइड देन परसेंटेज। सुनील जी एक बार एक फिर से दिखा दीजिए। ठीक है सर, जैसे हमारी यहाँ पे कुछ सेल्स है सर, ठीक है जी, इसका मुझे निकालना है कि मेरा टारगेट 100 था, सेल्स 90 हुई, 54 हुई, ये मुझे चाहिए कि परसेंटेज में कितनी हुई। सपोज यहाँ 200 टारगेट था मेरा, 100 में तो जनरली वही दिखाएगा, 200 टारगेट था मेरा, यहाँ इस टारगेट के अगेंस्ट कितनी परसेंटेज में इन्होंने अचीव किया है, तो मैं इसको सिर्फ कॉपी करूंगा, उस सेल्स रेंज को सिलेक्ट करूंगा पूरी जहां तक मुझे परसेंटेज चाहिए, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे डिवाइड। हमारे पास ऑपरेशन जो टैग है सर इसमें डिफॉल्ट नन पे रहता है, यानी कुछ नहीं करता, पर बाकी जो ऑप्शन है ऐड, ऐड का मैंने एग्जांपल दिखाया, सब्सट्रैक्ट उसी तरह माइनस करता है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देता है, डिवाइड डिवाइड करता है, पर वेरिएशन क्या आती है मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे हमारा टारगेट है, अब मैंने परसेंटेज निकालना है, डिवाइड, हम पहले डिवाइड करते हैं टारगेट में से सेल्स को, देन उसको परसेंटेज या 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज कर देंगे तो हमें यहीं पे परसेंटेज दिखा देगा, तो ये हमारी परसेंटेज आ गई सर। ठीक है सर, पर इंडस्ट्रीज में सर जो एक टारगेट जो होता है ना वो कुछों का ही होता है,
रेंज वाइज अलग अलग बंदे होते हैं, अलग अलग कैपेबिलिटी के होते हैं, अलग अलग सैलरी के होते हैं, तो अलग अलग टारगेट भी तो होना चाहिए जी। इस तरह से टारगेट आ गए हमारे पास। अब यहाँ फिर से हमारा फॉर्मूला, फिर से प्रॉब्लम। इसमें भी आपको क्या करना है, पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। पर एक बात ध्यान रखनी है इसमें, जितनी सेल्स होनी चाहिए उतना ही टारगेट होना चाहिए, मतलब जितने नंबर ऑफ टाइम सेल्स आएगी उतने नंबर ऑफ टाइम टारगेट आए, ठीक है जी। यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के लिए जाएंगे और वही डिवाइड करेंगे। पहले हमने एक वैल्यू को पूरे पे कॉपी किया था, अब हमने पूरे को पूरे पे कॉपी करना है, तो डिवाइड करेंगे, वो इंडिविजुअली अपने कंसिक्वेंट वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। तो हर एक का टारगेट अचीवमेंट अलग अलग है। कई बार क्या होता है हमारे पास कंपनीज में होता है, लाख में फुल वैल्यू में डेटा है, 1,36,00,000 समथिंग समथिंग, और उनको हमें कई बार दिखाना होता है करोड़ में। तो डायरेक्ट आप करोड़ एक कॉलम में लिखिए और डायरेक्ट मार दीजिए उसे डिवाइड, जितना भी डेटा हो आपका, इतना डेटा हो, इतना वैल्यू हो, MIS कुछ भी हो, डायरेक्ट आप पेस्ट मारिए डिवाइड के साथ, एक्चुअल वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है सर। इसी मेथड से परसेंटेज वहां आपको नहीं करना है, ठीक है सर। तो ये तो मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में बताया। अब मेरा डेटा क्या है सर, ये डेटा कॉलम वाइज है, मैं इसे रो वाइज चाहता हूं। इसको कॉपी करेंगे जहां करना चाहते हैं वहां ट्रांसपोज, हाँ जी ट्रांसपोज का ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है सर। तो ये अपना रो वाइज आ जाएगा, ठीक है जी। बट कई बार क्या होता है हमें एक क्या करते हैं, हम समरी छोटी छोटी बना के एक शीट में ऐड कर देते हैं, लिंक बना देते हैं कि कहीं यहाँ पे अपडेट हो तो इधर भी अपडेट होना चाहिए। सपोज मैंने ये किसी MIS में डाल दी यहाँ पे, अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो वहां पे भी अपने आप चेंज हो जाए, यहाँ 200 लिखूं तो यहाँ पे भी चेंज हो जाए, ठीक है जी। जनरली क्या करते हैं, हम किसी वैल्यू का रेफरेंस लेना हो तो हम इक्वल टू करके वो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो अगर कोई चेंजेस होती है तो एज अ फॉर्मूला ये वर्क करता है, वहां के दिखाता है। पर अब थोड़ा सा इसको वो बना देते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी लगा देते हैं, इस तरह के में हम क्या कहते हैं कि बार बार अब इक्वल टू लगाएंगे, फिर फॉर्मेट करेंगे, फिर अब तो कॉपी पेस्ट के हमारे पास अच्छे ऑप्शन है तो कर लेंगे। हम कॉपी करेंगे, यहां करना है वहां डालेंगे, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट लिंक है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास लिंक आ जाता है, ठीक है जी। उस चीज का लिंक काम वही कर रहा है ये भी, पर इक्वल टू में जो आपके लिंक लगे हुए हैं वो आपको दिखा रहा है, ठीक है जी। अगर कोई भी चेंज होता है तो यहाँ पे भी चेंज होता है, यहाँ का नंबर फॉर्मेट्स में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं फॉर्मेट्स को यहां से कॉपी कर देता हूं, फॉर्मेट्स, ठीक है जी। तो ये लिंक वैल्यू हो गई हमारी, लिंक वैल्यू। तो संदीप जी आपने पूरा कॉपी करा और उसको पेस्ट, मतलब उसमें लिंक को क्लिक करा आपने? हाँ जी, मैंने पेस्ट लिंक को कॉपी किया, पेस्ट लिंक को सिलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी किया मैंने सर, और यहाँ पे आके पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे भी है पेस्ट लिंक, और अदरवाइज आप यहाँ पे पेस्ट लिंक ले सकते हैं, ठीक है सर। ओके, देन मैंने वापस गया, फॉर्मेट कॉपी कर दिए, ठीक है सर। ओके, तो ये हमारा लिंक्ड वैल्यू हो गई। इसके पीछे आप फॉर्मूला बार में देखेंगे तो इनके लिंक दिखा रहा है, यानी कि इसका F2 दबाएंगे तो एडिट के लिए होता है, हमारा A2 दिखा रहा है, हमारे A2 मतलब A2 42 से। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है। मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस इधर होंगे वो उसमें भी हो जाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर, अब क्या करते हैं हम सर, थोड़े से और एडवांस लेवल की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या होता है,
अब ये थोड़ी सी बड़ी हो गई, अब मुझे मेरे पास जगह, डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं हम, अब मुझे चाहिए इतने में, वैल्यू इतने में चाहिए, ठीक है जी। कॉपी करेंगे, हमारे पास और क्या ऑप्शन आते हैं इसमें, एज अ पिक्चर, कॉपी एज अ पिक्चर, तो पिक्चर बनाएगा, पेस्ट एज अ पिक्चर, पिक्चर की तरफ पेस्ट करेगा, तो ये हमारे को मिल गई एक पिक्चर के रूप में। पिक्चर का मैं साइज छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, या जैसे भी सेट कर सकता हूँ अपने उस डेटा को एज पर माई विजिबिलिटी, ठीक है सर। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ पे कुछ डेटा चेंज करूँ तो मेरी पिक्चर तो बेकार हो जाएगी सर, डैशबोर्ड में तो चेंजिंग डेटा चाहिए, वहाँ पे हमारे पास जगह कम होती है, हाँ जगह कम होती है, अलग अलग से आना होता है, अपडेट भी चाहिए होता है, डैशबोर्ड नहीं तो किस काम का। सो उसके लिए हमारे को करना क्या है, कॉपी तो वही करना है सब, हमारा कॉपी पेस्ट में क्या क्या हो सकता है सिर्फ वो बता रहा हूँ सर आपको। अभी यहाँ से पेस्ट एज पिक पिक पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, एज पिक्चर में आपका पेस्ट पिक्चर लिंक के नाम से एक चीज है, अब इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये है पिक्चर, बट इसकी पावर देखिए आप, जब मैं यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग या वैल्यू या कलर चेंज करता हूँ तो वो वहां पे भी होता है। 200 डायनेमिक हो गया, इधर सोर्स में चेंज किया तो यहाँ टारगेट चेंज हो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे इतना तो दावा है कि सर ऐसी पिक्चर आपने एक्सेल में तो नहीं देखी होगी, है ना। गया। अरे ठीक है सर, तो ये मेरा कुछ पेस्ट स्पेशल का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको डेमो के तौर पे दिखाया, तो वही जनरल कॉपी पेस्ट को कितने एडवांस तक, कितना खोल के मैं दिखा सकता था वो मैंने कोशिश की है। तो आपको आपको इस बस एक चीज मुझे और पूछनी है हाँ जी संदीप सर, जी। हाँ जी सर, मतलब जैसे मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बता रहा हूँ, यस सर, यस जैसे मेरे रिक्रूटमेंट के डाटा होता है हाँ जी हाँ तो जी वो 3 पेजेस पे होता है, मतलब मैंने जैसे अलग अलग पोजीशन का अलग अलग डेटा है हाँ जी हाँ तो जी मुझे उसको शीट 1 में कोलेट करना होता है, तो मैं उनको मतलब शीट्स पे भी लिंक कर सकता हूँ ना, ये सिर्फ या एक शीट पर ही चलता है? नहीं सर, ये आपके अलग अलग शीट पे चलता है, यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं, वैसे मुझे जरूरत पड़ी नहीं, देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लिंक्ड पिक्चर करता हूँ, पिक्चर लिंक, यहाँ पे भी चल रहा है मेरा, यहाँ पे आपका रेफरेंस बदल जा रहा है इस फोटो का, इस इमेज का आपका रेफरेंस लिंक बदल जा रहा है, बाकी जो अच्छा चेंजेस मैं वहां करूंगा अच्छा वो यहाँ पे भी होंगे, जैसे मैं इनका कलर रेड कर देता हूँ, देन यहाँ पे भी आपको चेंजेस दिखाई देंगे। ये तो पिक्चर के, ओके, इट ये लिंक, ठीक है ठीक हाँ है। जी हाँ जी, ये तो पिक्चर के थ्रू था, आप वो पेस्ट लिंक को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा पेस्टिंग भी कर सकता हूँ, ठीक हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी, बाकी मैं आपको जो थोड़ी सी मतलब नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ, ये आपके कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएंगी, इतना था, आप उसी काम में कुछ ना कुछ नया ढूंढ लेंगे अपने, ठीक है सर। तो मेरा कुछ मतलब ये था कि आज पेस्ट स्पेशल का दिखाना है आपको, तो आज का थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है, तो बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही है, तो कल से वो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएंगे आपके अपने आप। मैं आज का सेशन सर यही एंड करता हूँ, कल से हम डिटेल में चलेंगे, और डिटेल में अपनी सेटिंग्स के तौर पर कस्टम सेटिंग आपको बताऊंगा, कई बार हमारी कई चीजें ना खराब हो जाती हैं, क्या होता है जैसे हम इनकम टैक्स वाली फाइल आप सबने भरी होगी, उसमें क्या होता है हमारा ये जो आप काला सा कर्सर देख रहे हैं ना, कई बार वो छोटा सा प्लस बन जा रहा है, यहाँ पे जाके छोटा सा ही है, ड्रैग करने का ऑप्शन, ये गायब हो जाता है, अब इसका क्या इलाज है सर। संदीप जी एक रिक्वेस्ट थी। यस सर, संदीप जी मैंने मैंने उनसे भी बात करी थी, सुजीत जी से, हाँ जी सर, मैं कल कहीं बाहर जा रहा था तो मैं कल मिस कर जाऊंगा, मैं तो वो कल वाला कभी रिपीट करेंगे, मतलब परसों में कभी, जो कल मैं अगर मिस कर दूंगा तो, बिल्कुल सर, या कल हमारा सुबह सुबह वो सेशन हो रहा है कोई तो? सर ऐसा है, आप ना इसमें कभी भी कुछ भी मिस नहीं करेंगे, मेरा पढ़ाया हुआ या सुजीत जी का पढ़ाया हुआ, कभी कुछ नहीं मिस करेंगे, क्योंकि हमारी
एक रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है, मैं जो आपसे बात भी कर रहा हूँ ये सब रिकॉर्ड होती है स्क्रीन के साथ, जिसको मैं ड्रॉप बॉक्स में डालूंगा। जैसे ही मतलब आपका डेमो फेज खत्म हो जाएगा, आपका ये सब लिंक के तौर पे आपको भेज दिया जाएगा। एक सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल करना होगा जिसमें आपको डेली की वीडियोस या अभी की भी वीडियोस आपको उसमें मिल जाया करेंगी, जो भी हमारी बातचीत है, क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक है, तो वो मेरे को दोबारा आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और कभी ऐसी पड़ती भी है तो मैं उसमें पीछे नहीं हटूंगा, आप कभी भी उसके लिए कॉल करें, जैसे भी फ्री स्लॉट होगा मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है सर, सो नाइस ऑफ यू। ठीक है जी, ओके सर, ठीक है संदीप जी, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो सर मैं एक ओके थैंक यू सर एक सेटिंग बता रहा था, मैंने कहा इसको बता ही दूं तो आपके दिमाग में बिल्कुल भी रह गए। तो ये एक काला सा जो है ना ड्रैगन का ऑप्शन, ये हमारे पास मिस हो जाता है कभी कभार, ये इसको वापस लाने के लिए हमारे पास सर ये ऑफिस बटन है, एक्सेल ऑप्शन, इसके अंदर आपके सारे सवालों के जवाब है जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे। इसको मैं डिटेल में आपको कल इसी पे ही लेके चलूंगा और पूरा ये बताऊंगा, फिलहाल मैं ये बता देता हूँ कि ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, फॉर्मूला के अंदर, फॉर्मूला ड्रैग एंड ड्रैग, इसमें प्रूफिंग से एडवांस, एडवांस के अंदर आपको मिलेगा। ये हमारा इनेबल फिल हैंडलिंग है, सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इस पे जब अनचेक होता है ना सर तो ये हमको दिखाता नहीं है, मोस्टली उसमें ऐसे मैक्रोज लगे हुए हैं जिसके कारण वो गायब हो जाता है, सेटिंग चेंज हो जाती है एक्सेल की। तो उसको वापस लाने के लिए आप एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, इनेबल फिल हैंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है सर, बाकी कल मैं आपको इसकी डिटेल में जानकारी दूंगा, मैंने कहा आज की क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बताया जाए तो इसके लिए मैंने आपको स्पेशल पढ़ाया, जनरली हमारी दूसरी क्लास में होता है। ठीक है सर, तो कल मैं आपको शॉर्टकट, एक्सेल कस्टमाइजेशन और एक्सेल लिमिट्स के बारे में थोड़ी सी क्लास दूंगा। ठीक है सर, ओके ठीक है संदीप जी, जो मेल किया था आपने उसमें दो नंबर है, दोनों चालू है, आपसे कुछ पर्सनली बात कर, दोनों चालू है, तो अभी मैं उस पर कॉल कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, नो प्रॉब्लम, ओके सर, ओके सर, गुड नाइट, फिर मैं आज का सेशन एंड कर रहा हूँ। ठीक है जी, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।